गारमेंट्स वाली शॉप मिली तो है, रेट वगैरह चेक कर ले, देखते मालूम करते हैं। हाँ लेकिन ये इधर देखते हैं, एडिडास कंपनी की है, देख लें गारमेंट्स की शॉप है। और ये है केकड़ा, ये वो केकड़ा है जो एक आम इंसान को स्पाइडरमैन बना देता है। हाँ सही कह रहा हूँ। ये जब स्पाइडरमैन आई थी ना, तब खास दुबई के शेख ने कहा था कि हमें इस तरह का कीड़ा चाहिए। ये वो कीड़ा है जो हम जवानों को एक जगह टिक के बैठने नहीं देता, ठीक है। कहाँ से दुबई तक ले आया चाहिए, ये लगी है। हाँ है अच्छी है, लेकिन 200-300 है, चेक करने आ जा, देखने में दाम क्या जाता है। हाँ ये देख, हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, ठीक ठाक हो? तो देख रहे हो भाई, धड़ाधड़ व्लॉग पे व्लॉग नहीं जा रहा है। तो यार अभी मैं आया हूँ अबू हिल वापस, क्योंकि यहाँ पर है ना कज़न है, कज़न के साथ ईद मनाते हैं, क्योंकि रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा दुबई में गुजर गया है। और ये मैं चांद रहा था, आज आखिरी रोज़ा भी है, तो ये मैं शॉपिंग की है थोड़ी सी, पैंट खरीदी है, शर्ट मुझे पसंद नहीं आई, मैं कहा कज़न को पकड़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, इसके साथ मैचिंग मैचिंग शर्ट लेते हैं। लेकिन उससे पहले ना, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ, अभी मैं उससे मिला नहीं, तो उससे मिलते हैं, फिर हमने साथ अफ्तारी करनी है, टाइम भी हो गया अफ्तारी का। तो अफ्तारी करने के बाद फिर हम निकलेंगे, थोड़ा सा शुगल मेला लगाएंगे साथ, क्योंकि जब वो जब का वो दुबई आया है ना, मैं काम इतना मसरूफ हूँ, मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर सका है, तो उसके साथ थोड़ा शुगल मेला लगाते हैं और साथ अपने शॉपिंग करते हैं, शूज़ भी लेने हैं ईद के लिए। तो चलो चलते हैं, पहले उससे मिलते हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक रोमियो भाई गैंग ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दो। पहुँचते हैं हम अपने कज़न के पास, बहुत ज़्यादा थके हैं यार, ट्रैवल दुबई का ना बहुत ज़्यादा थका देता है, ज़्यादातर तो खास तौर पे तो मेट्रो थका देती है बंदे को। वो यूनियन कॉप है, वहाँ पर ही उसका कैंप है, वहाँ पर चलना है हमने, पहियों पहियों हुई, एक मेट्रो ने थकाया है कि पहियों पहियों ने थकाया है। आज बापे सैरी भी नहीं की थी, फिर रोज़ा बड़ा हैवी जहा लगन दिया है, तो शॉपिंग भी कर बैठे हैं, अल्लाह कबूल करे बस रोज़े। दुबई में है ना, हाय 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 हाय, क्या देखने को मिलता है, और इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह कबूल करे रोज़े। बहुत तेज हो रहा है। चलो मिलते हैं हम अपने कज़न से। अस्सलाम वालेकुम कराची वाले, मैं अंदर शॉपर आके आया यार, मैं क्या बाहर बैठा, बताया नहीं आपने एकदम से, ईद आपके साथ करनी थी बस यार। हाँ आपको पता है किस हालात में आपको हमने यहाँ पर रिसीव करके रखा, और फिर हमने काम में मसरूफ हो गए इतना, बिल्कुल ऐसा ही है। चल बाकी बाद में बातें, अफ्तारी के लिए निकलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फिर शॉपिंग भी करनी है। बड़ी खुशी हुई आप आए, एक अपना अपना बंदा देख के ना जो है ना क्या फीलिंग होती है वो आपको, बस देख ले प्रदेश में है ना, दूर आके पता चलता है हाँ कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, अकेले रह रहे के ना बस एक। मैंने भी अकेले ही रहना था, मैं कहा चलो साथ मिलके एंजॉयमेंट हो जाएगी, बस यही है यार। अभी इफ्तारी करने चलते हैं वहीं मियाँ जी के पास, जहाँ पर पहला रोजा सहरी की, पहली इफ्तारी की वहीं पे चलते हैं हम, आखिरी भी इफ्तारी वहीं पे करते हैं तो फिर शाम को निकलेंगे हम शॉपिंग करने के लिए ईद वगैरह की ना, तो चलें चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा रमजान गुजरा है, और मुबारक हो चांद रात जमशेद, आपको भी बहुत बहुत कराची वालों मुबारक हो आपको चांद रात। तो अभी हम इफ्तारी करके फ्री हुए हैं, देन अभी मैंने उसको बोला है कि चल यार थोड़ा शुगल मेला लगाने चलते हैं बाहर, ऐसे रूम में बैठकर है ना बोर ही हो रहे हैं, और ये भी तकरीबन 10 दिन हो गए हैं बोर, क्या कमर में दर्द हो गई बैठ बैठ के, सो के क्या करे बंदा, 10 दिन हो गए हैं ये बेचारा नहीं निकला है, ना मैं निकला हूँ, बस काम से रूम से काम,
तो आज मैं छुट्टियां वगैरह हुई हैं, ईद की शुक्र मेला लगाते हैं इकट्ठे, तो हुए ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा अपनी जानू मानू के पास। वो मेरी जानू मानू, मैं उसको नहीं कुछ कहना है। क्यों जानू मानू एक क्या बंदा बोले जानू मानू को, एक बिल्डिंग को जानू मानू बनाया हुआ किसी, वो जानू मानू है बिल्डिंग को जानू मानू बना, इसको देख के, उसको देख के बताओ क्या आता है ना। ये बिल्डिंग आती है। अच्छा अच्छा मैं समझ सकता हूँ। हाँ। तो वहाँ पर जा रहे हैं, वापसी पे आके है ना, क्योंकि मेट्रो बंद हो जाएगी लेकिन मॉल वगैरह तो खुले ही रहते हैं। वापसी पे आके हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन पहले हम वहाँ पर दुबई मॉल फिर आते हैं, बुर्ज खलीफा फिर आते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो आते हैं, छुट्टी इंजॉय कर आते हैं। चलो अभी चलते हैं मेट्रो पे बैठ कर बुर्ज खलीफा पहुँचते हैं। फाइनली मेट्रो पे हम पहुँच गए हैं, फिर यहाँ पर ये बैलेंस करवाते हैं मेट्रो कार्ड में, देन फिर हम पहुंचेंगे। हाँ आ गई। बाबे पूरा दुबई मेरे ख्याल नाल थिट होया होया सारा है। पहले दुबई मॉल ना फिर आइए, पहले हम दुबई मॉल अंदर सारा सैर सपाटा करके आते हैं, थोड़ा देखते हैं रेट वगैरह क्या है, फिर उसके बाद चलते हैं, फिर उसके बाद फिर हम अपने ही मॉल से लेंगे कर लेंगे उसके बाद, अफोर्ड नहीं कर सकते ना यहाँ पे, बस आइडिया तो हो जाएगा ना, हम देखते हैं ये बात वगैरह ले लेते हैं कितने के मिल जाते हैं यहाँ पर शर्टें वगैरह शॉपिंग करनी हो तो। लेकिन यहाँ पर है ना जैसे ही चांद रात आता है ना, सारा मेरे ख्याल से दुबई मॉल में ही आया हुआ है। रश देख रहे हो आप, लश पश हुआ हुआ है। लो जी अब हम एंटर हो गए हैं दुबई मॉल की हदूद में। एक मिनट देखने तो मुझे, हाँ इधर ही जाना है, वो नीचे जाने का रास्ता है ना, मतलब अभी हो और हमें चलना पड़ेगा, बड़ा लंबा पुल है भाई, दुबई मॉल बहुत बड़ा है, मॉल को तो छोड़ दे, तो मॉल में इंटर भी नहीं हुए उसके मेट्रो स्टेशन के अंदर ही दुबई मॉल की एंट्रेंस है। अब भाई हम मेट्रो स्टेशन के अंदर ही हैं, इधर से ही हम एंटर हो जाएंगे दुबई मॉल में। 10 मिनट तो हो गए हमें घूमते हुए। हाँ फाइनली दुबई मॉल आ ही गया है। फाइनली नहीं सच्ची मुची, अब सच्ची मुची वाला आ गया है, बस हमें यहाँ से ना यहाँ से राइट होना है, तो वो दुबई मॉल है भाई, जहाँ पे ब्रांड की आपको पिक्चरें वगैरह नजर आने लग जाए समझो दुबई मॉल आ गया। बोले को सामने भी लिखा हुआ दुबई मॉल, बोले को ये ऐसे ही मेरा स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं होता है, जैसे हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वही चीजें हम आपको शेयर करते रहते हैं, कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं होता मेरा। दुबई मॉल में एंटर होते ही हमें देखने को मिला है तुर्किश आइसक्रीम, लेकिन ये वो नहीं है, बस वैसा बनाया हुआ है। बच्चे के साथ शुगर मेला लगा रहा है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जो शुगर मेला वो आपको दिखाते हैं। ओए हाय 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 हाय, फाइनली अंथक अंथक टूटने के बाद पहुंच गए हम दुबई मॉल। इसकी ना मंजिलें भी हैं, अरे दो फ्लोर है नहीं, एक दो हाँ, लेकिन एक यहाँ पर जगह भी है, एक ऐसी एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर झरना बना हुआ है, वो पता नहीं कहाँ पे है, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी, आ जा पहले वो ढूंढे। हमें गारमेंट्स वाली शॉप मिली तो है, रेट वगैरह चेक कर ले देखते हैं मालूम करते हैं। हाँ लेकिन ये इधर देखते हैं, एडिडास कंपनी की है, चलिए वापस आ जा। 240 दिरहम की शर्ट दो सौ चालीस दिरहम की एक टी शर्ट, ये है दुबई मॉल।
अभी हमने आधा अभी एक मंजिल पे हम मुझे मालूम है अभी नीचे जाना है। नीचे भी सारा है उससे भी नीचे सामने भी देखो पूरे पूरे सेट हो रखे हैं। हाँ ड्रेस हमें हमसे एक टी शर्ट भी ले जा रहे हैं। पूरे ड्रेस की बात कर रहे हो वो भी है वैसे तो वो भी दुकान है वो देखो नहीं अपने वहां से लेंगे। हाँ वो अच्छी है ये तो ये वहीं से मैंने लेके पहनी हुई है। बाकी दुबई मॉल आप चेक करो। अभी हम एक फ्लोर पे फिर रहे हैं वो आगे भी है लेकिन दूसरा फ्लोर है नीचे ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे भी गारमेंट्स की शॉप है और ये है केकड़ा। ये वो केकड़ा है जो एक आम इंसान को स्पाइडरमैन बना देता है। हाँ सही कह रहा हूँ। ये जब स्पाइडरमैन आई थी ना तब खास दुबई के शेख ने कहा था कि हमें इस तरह का कीड़ा चाहिए। ये वो कीड़ा है जो हम जवानों को एक जगह टिके बैठने नहीं देता ठीक है। साथ दुबई तक ले आया वो कीड़ा है। ये ज्यादातर कीड़ा कहाँ पाया जाता है उधर इधर पाया जाता है तो बोला पाकिस्तान से दुबई ले आता है। वो मैंने बोला ना पाकिस्तान से दुबई ले आता है कीड़ा। दरअसल बहुत ही अच्छा है ना लेकिन एक यहाँ पर दुबई माल में ना एक डायनासोर का वो ढांचा भी है। हाँ वो मैं ढूंढ रहा वो मिल गया ना धन्य हो जाएंगे हम धन्य हो जाएंगे। वो मिलेगा दूसरे राउंड दूसरे चक्कर में जब हम नेक्स्ट आएंगे ना। हाँ फिर अभी मैं तकरीबन तीसरी मरतबा आया हूँ। कुछ चीजें मिले अभी मैं तीसरी मरतबा आया हूँ। पहले सैर करने चले उस लोयल में वो पीछे आ गए। ये आगे भी है। ये देखो लोगों ने गाड़ियां बुक करवाते हैं दुबई मॉल फिरने के लिए। अकेला बंदा पैदल नहीं फिर सकता है इतना बड़ा है। नीचे भी देख गारमेंट्स की शॉप है थोड़ा रास्ता दे दे तेरी रोल्स रॉयल ने ना हमें। यहाँ पर शूज हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं। शर्ट तो खरीदी नहीं जा रही हमारे हाँ। से और शूज लेने नहीं कोई बात नहीं भाई लेने को ले सकते हैं हम इंशाल्लाह लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह में बड़ी तो भाई ऊपर से का रास्ता इधर है नीचे चले चलो या बाहर बुर्ज खलीफा की तरफ चलते हैं। हाँ बस चलते हैं और क्या देखना हाँ। फायदा क्या एक शर्ट देख के हमारा दिल भर गया। बुर्ज खलीफा चलते हैं आजा ग्राउंड फ्लोर पे हैं। चलो लेडीज है यार आगे चलते हैं। साडा अपना बंदा किथे गया इधर यार सारा लेडीज है ये जेंट्स का लगा है लेकिन हमें सिर्फ टी शर्ट चाहिए। हाँ है अच्छी है लेकिन 200-300 है चेक करने दे आजा देखने में दाम क्या जाता है। हाँ ये देख सही कह रहे हो तो बिल्कुल सही कह रहे हो हमारी गलती है हमें बाहर निकलना चाहिए मेरे दोस्त। मेरा से मैं बोल रहा हूं बाहर चल मेरा बीपी लो हो रहा है। अब तो होगा ना कुछ चीजें देखने के बाद यार एक ऊपर भाई हम गलत में सब है ना वो चीजें देख के नहीं बीपी लो हो रहा। एक शर्ट थी 300 दिरहम की अब नीचे आके देखिए 2000 दिरहम की लगा लो 2000 दिरहम की शर्ट पाकिस्तानी हमारे बनते हैं ये 2.25 लाख रुपए। हाँ एक शर्ट छोड़ दो इसलिए वो कहते हैं ये एग्जिट आ जा इधर से बाहर चलते हैं। ओ भाई बहुत फिर लिया हमने वहां से भी वो भी फिरा सारा ये भी फिरा ग्राउंड फ्लोर पे हमें एग्जिट मिल गई है। आजा बाहर चले हमारी कौन से दूर है भाई 1660 2000 की एक शर्ट और एक 300 दिरहम की 300 दिरहम से ज्यादा की जो भी है क्या नाल पिछा भी बच सकती है। सही कह रहा हूँ देखा है शुक्र है बाहर आए। अब बुर्ज खलीफा देखते हैं बुर्ज खलीफा किधर है। हाय 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 चस वाला मॉल है बीएमडब्ल्यू फिर बार भी आ गई
ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਸੇ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਬਸ ਸੇ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮ ਆਏ ਥੇ ਈਦ ਕੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਸ ਸੇ ਬਾਹਰ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਤੇ ਭਾਈ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਸੇ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਹਮੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਕੋ ਹਮਨੇ ਖਲੀ ਬਲੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਜਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਬ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤਬ ਹਮ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਬ ਸ਼ੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤਬ ਹਮ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਹਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਰਟੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤੁਮਨੇ ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਕਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਵਹੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਰਟੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਪੁਤੀਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਤੂੰ, ਐਡੀਡਾਸ ਦਾ ਓਨਰ ਬਣਨਾ ਤੂੰ, ਐਡੀਡਾਸ ਦਾ ਓਨਰ ਬਣਨਾ। ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਮ ਸ਼ੇਖ ਕੇ ਸਾਥ ਲੇ, ਤੁਮ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਟੇ ਰਹੋ, ਯਾ ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲ ਤੁਮ ਚੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਲੀ ਲੀ 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 ਮੇਲਾ ਪੋਕੂ ਜੂ ਗੂ ਲੂ ਲੂ, ਓਏ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਗੋਦੀ ਚ ਯਾ ਕਿਤੇ ਗੋਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਾ, ਲੈ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕਦਮ। ਚਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ, ਐਡੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆ ਜੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਦੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੋਦੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋ ਲਾਏ ਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਨਾ ਲੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਗੇ।
चलो यार, शुगर मेला जो होना था ना बुर्ज खलीफा का, वो भी हो गया। चल सही है? नहीं गए, लेकिन थक गए। थकना तो है ही है, दूर बहुत है। पैदल 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 बुर्ज खलीफा जैसे दिखने में तो ये देख, ये इतना बड़ा नहीं है। और अभी मेट्रो स्टेशन में जाते जाते गिली हो जानी है। तो ऐसा ही है ना, अब एंजॉय करना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमने स्मार्ट नहीं होना जिम, इस जगह नहीं होना स्मार्ट। स्मार्ट होने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। जिम स्टार्ट करनी है, उससे अच्छा है, पैसे खर्च करने से अच्छा है दो चार चक्कर बुर्ज खलीफा के लगा लिया करो, स्मार्ट हो जाओगे ना। मैं कैंप से डायरेक्ट पैदल आ जाया करूंगा इधर। हाँ फिर तो मैं हफ्ते में, इतनी जल्दी नहीं कि घर वाले बोलेंगे मुंडा भेजा सी सुखा कर गया। यार रश बहुत है क्योंकि चांद रात है ना, आम रूटीन में। चांद रात है यार, आम रूटीन में ये आते हैं अंग्रेज, लेकिन मुसलमान जो है ना पाकिस्तानी वो भी आए हुए हैं चांद रात एंजॉय करने, इसलिए मुसलमान जो है ना दिख बहुत कम रहे हैं, ज्यादातर यही दिख रहे हैं। तुम्हारा देहान उधर है यार। क्या तुम्हारा ध्यान उधर है? चलो यार फिर मेट्रो स्टेशन चलते हैं, वहाँ से ट्रेन बदल के कैंप चलते हैं। बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया और शर्ट भी लेते हैं वहाँ से, मार्केट ही पहुँचते हैं वहाँ से ही शर्ट लेते हैं। दुबई माल बहुत महंगा है यार, यहाँ से हम नहीं अफोर्ड कर सकते। फाइनली पहुँच गए हैं हम मेट्रो स्टेशन, अपने कैंपस वाले जहाँ पर रहते हैं। और ये देखो माहौल, यहाँ पे आते ही ये माहौल नजर आता है। बड़ी गड्डियां पड़ी है, होनी मेरे खाना मंड के गए ने, क्योंकि कल ईद है, थकावट उतारनी हो चाहे कपड़े उतारने हो ये सब काम करते हैं टेंशन फ्री। तो हमारा मॉल आ गया है अल कबाइल सुपरमार्केट, यहाँ से हम अपने टी शर्ट जो लेनी थी वो लेते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छी मिल जाती है, डोंट वरी। वो टी शर्ट हम आपको कल दिखाएंगे, ये सरप्राइज है, ईद की शॉपिंग हमने क्या की है। तो अभी तो हम बस शर्ट लेके निकलते हैं, अंदर कैंप जाते हैं, थोड़ा मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं, बंद होने वाला है। तो मिलते हैं हम आपको एक अगले व्लॉग में। शॉपिंग हमारी सरप्राइज है, लेकिन हमें हमारी कोशिश थी कि हम उधर से दुबई मॉल से ले लें, लेकिन नहीं भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा, ओका।